Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir and I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to continue exercise 11.3, chapter number 11, perimeter and area, class 7th. Okay, so let's get going. Question number 7 पे थे हम लोगों ने, हम लोग question number 7 पर थे और question number 7 जो है आपका, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, given that के form में लिखेंगे, है ना? तो सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर. अभी आपका एडजॉइनिंग फिगर जो है वो कैसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है. अब ये दिखते ही फिगर बच्चों को क्या लगता है कि दिस इज अ सेमी सर्कल. सही बात है, सेमी सर्कल ही है ना. तो सेमी सर्कल तो है लेकिन उसने क्या बोला है, पैरामीटर. अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक राउंड. तो यहां पॉइंट से लेके यहां तक दिस इज सेमी सर्कल. सर्कल क्या होता है, सर्कल ये पूरा होता है यहां से लेके यहां तक. और जब आप इसमें क्या करोगे, ये बीच से इसको जब कट कर लोगे तो दिस इज योर सेमी सर्कल. यानी इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है दिस इज योर पाई आर एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज पाई आर. और ये पूरा एक साथ जब हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर. द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पाई आर प्लस पाई आर, दैट इज 2 पाई आर. ठीक है, अब इसमें एक्सेस पार्ट क्या है आपका, जो एक्सेस पार्ट है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक और डायमीटर भी ऐड किया हुआ है. अगर वो सिर्फ इस फिगर को पूछेगा कि इसका पैरामीटर क्या है तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बाई 2 या सिर्फ पाई आर लिखेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ में क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर भी दिया हुआ है. तो इसको आप कुछ इस तरह से समझो, अगर आप इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करोगे तो ए से आप कहाँ तक जा रहे हो, बी तक जा रहे हो, और बी से फिर कहाँ आ रहे हो, बी से वापस कहाँ पर आ रहे हो, ए पर आ रहे हो. ठीक है, सो दिस इज वॉट द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज. ठीक है, नॉट सेमी सर्कल बट द गिवन फिगर. इस गिवन फिगर का सेमी सर्कल क्या होगा, ये होगा, है ना. तो ये हमने समझ लिया. अब इसको हमको बनाना कैसे है, चलो बना लेते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैरामीटर एडजॉइनिंग फिगर ऑफ विच इज अ सेमी सर्कल लिखा हुआ है. तो इन सेमी सर्कल पहले क्या कर लेते हैं, इन सेमी सर्कल. ठीक है, देखो डायमीटर क्या दिया हुआ है हमको, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, तो डायमीटर से हमको रेडियस निकालना पड़ेगा. रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2, दैट विल बी 10 बाय 2, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सेमी सर्कल्स सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है 2 पाई आर बाय 2 कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा. जैसा मैंने बताया यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा, है ना. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, नहीं दी हुई है आप क्या रख लो, 22/7 रख लो, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है, 5. अगर 3.14 रोकना चाहते हो तो वो भी रख लो, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो हम दोनों वैल्यू लेके चलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आप वो आप सब्स्टिट्यूट कर लो. ठीक है, 22/5 = 110/7, दैट वुड बी 7 वन जा 7, 4075 = 35, 5077 = 49 एंड 72, ये राउंड ऑफ करके 15.72 सेंटीमीटर. यहाँ पे अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 5 4 = 20, 5 1 = 5 + 2 = 7 एंड 5 3 = 15. तो 15.70 यहाँ पर आ रहा है या 15.72 यहाँ आ रहा है, तो वट एवर वैल्यू यू वांट टू टेक यू कैन टेक, नो अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, डेसिमल सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, सो अब ये सेमी सर्कल का आया, सबसे पहले सेमी सर्कल कौन सा पार्ट था, ए से लेके बी तक. अब मुझे क्या लिखना है, फिगर बोला है तो हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ फिगर, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर. अब इसमें दो चीजें बोला है, अगर उसने यहां पे भी क्या मेंशन किया होता, सेमी सर्कल मेंशन किया होता तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता. तो ये क्या है, चेक करने का तरीका है. देखो यहाँ पे सेमी सर्कल अलग से लिखा हुआ है, यहाँ फिगर लिखा हुआ है, यानी फिगर और सेमी सर्कल क्या है, दोनों डिस्टिंक्टिव चीजें हैं. तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई आर प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, डी. तो ये पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15.72 और डी की वैल्यू क्या है, 10. तो ये आ जाएगा आपका क्या, 25.72 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो ये हो गया क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7 डन. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. 8 में क्या है हमारे पास, लेट्स सी. तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्क्यूलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर. एक सर्क्यूलर क्या है आपका, टेबल टॉप अवेलेबल है. ठीक है, इस टेबल टॉप को क्या करना है, पॉलिश करना है.
तो पॉलिश करने का मीन्स क्या हो जाएगा? इट मीन्स इट कंसर्न द एरिया नॉट द सर्कमफेरेंस. ये किससे कंसर्न कर रहा है? एरिया ऑफ सर्कल से कंसर्न कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस चेक कर लेते हैं. रेडियस अगर दिया हुआ तो डायमीटर दिया हुआ है अगेन क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायमीटर इज इक्वल टू 1.6 मीटर और डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे. तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0.8 मीटर, है ना. तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन दैट, सो गिवन दैट क्या है हमारे पास, इन अ सर्क्यूलर टेबल टॉप, इन अ सर्क्यूलर टेबल टॉप, सर्कुलर टेबल टॉप में क्या है हमारे पास, टेबल टॉप ऑफ डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू क्या है, 1.6 मीटर. तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 0.8 मीटर. अभी क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. मैंने बोला ये किससे कंसर्न कर रहा है, एरिया से कंसर्न कर रहा है ना. तो अगर एरिया से कंसर्न कर रहा है तो दैट मीन्स हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ टेबल टॉप. सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालेंगे. अब वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, टेक पाई 3.14, हमने रख दिया 3.14. रेडियस हमारा क्या है, 0.8 टू द पावर 2, दैट कुड बी रिटन एज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, राइट, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.64, ये आ जाएगा. अब देखो, दो डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, दो डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, तो दोनों के क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर में, 4 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे. 64 फोर जा हो जाएगा आपका, 6 फोर जा 24 एंड 4 फोर जा 16, 256 हो जाएगा. ठीक है, 256 का हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 25 क्या हो जाएगा हमारा, कैरी हो जाएगा. ठीक है, देन 64 बन जा 64, 64 प्लस 25 विल बी 89, 89 का आप क्या लोगे, 9 और हो जाएगा 8 कैरी, एंड 64 थ्री जा विल बी 180 प्लस 12 192 प्लस 8 दैट विल बी 200. तो यहाँ आ जाएगा आपका 200 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया आपका, एरिया आ गया, किसका, सर्कुलर टेबल, है ना. तो ये एरिया जब आ गया सर्कुलर टेबल टॉप का, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टेबल विथ कॉस्ट क्या है, एट रुपीज 15 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्या करेंगे हम, जो भी एरिया हमने निकाला है 2.0096 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 15, 15 सिक्स 90 कैरी 9, 59 ज़ा 135 प्लस 9 144 और आपका क्या हो जाएगा, ये 144 यहाँ आ जाएगा एंड 15 टू ज़ा 30, अगेन 4 डिजिट के बाद जीरो लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 30.144. ओके, सो आप सेकंड प्लेस तक ही लोगे तो उसको आप क्या कर लो, 30.15 मान लो राउंड ऑफ करके रुपीस. ये आपका क्या है, फाइनल आंसर. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 इज, Shazali took a wire of length 44 cm and bent into the shapes of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. Then if the same wire is bent into the shape of square, यानी दो चीज़ें हैं. एक तो पहले क्या है, उसने एक स्ट्रेट वायर ली विच इज़ द लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर. इसी वायर को उसने बेंड करके पहले क्या बनाया, एक सर्कल बनाया. इसी वायर को उसने बेंड करके क्या बनाया, स्क्वायर बना दिया. तो अगर ये दोनों ही चीज़ें, दोनों फिगर सेम वायर से बनी हुई हैं, दैट मीन्स इन दोनों फिगर में क्या सेम होगा, दोनों का पैरामीटर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट Shazali took a वायर ऑफ 44 सेंटीमीटर एंड bent it to make a circle. उसने क्या किया, bent करके क्या बना दिया, circle बना दिया. So circumference of circle is equals to 154
44 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये सर्कल एक्चुअली क्या है, इसमें बोला है कि उसने फाइंड द रेडियस एंड एरिया, तो ठीक है रेडियस जब पूछा है तो रेडियस तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 24, आर की वैल्यू यहीं पर छोड़ के यहाँ ले आते हैं 2π। अब ये पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमको, 22/7 जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ले लेते हैं, 44/ क्या हो जाएगा 2 × 22/7, और ये 7 क्या हो जाएगा आपका स्विच हो जाएगा कहाँ से, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो यहाँ आ जाएगा 44 × 7 और होल अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 22। तो ये देखो 22 का क्या होता है 44 होता है, तो 44 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रेडियस की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जब ये 7 सेंटीमीटर हम निकाल लिए रेडियस, तो हमको क्या निकालना है, बस एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड दैट विल बी अगेन 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7। देखो एक 7 और एक 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 7 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या मिलेगी आपको 11 एंड 22/7 जाए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका एरिया निकल गया। अब सेम वायर को बेंड करके उसने क्या बनाया स्क्वायर बनाया, और जब ये स्क्वायर बनाया कौन सी वायर थी, ये वही 44 सेंटीमीटर की वायर है ना। अगेन इसी वायर को उसने क्या किया फिर से रीबेंड किया और क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर बनाया तो अगेन सेम केस क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हमको साइड पता नहीं है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड, तो 4 × साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 एंड साइड इज इक्वल टू 44/4, 4 × 1 = 4 दैट इज 11, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है ओके तो हमने क्या निकाल लिया साइड निकाल लिया। अब साइड जब निकल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे क्या करना है सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, हमको पता है फॉर्मूला यहाँ रख दिया हमने 11 × 11 और ये आ गया आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारे पास, ये जो बड़े शीट दिख रही है जिसपे फेस बना हुआ है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ फेस, ये क्या है एक सर्कुलर शीट है। ठीक है, इस सर्कुलर शीट में से क्या किया, शीट का रेडियस क्या था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इन 14 सेंटीमीटर रेडियस में से हमने क्या किया, दो सर्कल्स 3.5 सेंटीमीटर के हमने क्या किए कट करके निकाले, विच इज 3.5 सेंटीमीटर इन रेडियस, एंड देन एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या था 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या था 1 सेंटीमीटर उसको भी निकाल लिया। तो बचा हुआ क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, हमको क्या करना है रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स सर्क्यूलर शीट का क्या करना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो गिवन दैट लिख लो यहाँ पे, गिवन दैट इन द, अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखो बहुत सारे सर्कुलर शीट्स आ रहे हैं या सर्कल्स आ रहे हैं, तो सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बस सबसे पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू 14 × 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 एंड 22, 14 × 2 = 28, 22 × 28 यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच, सो एरिया ऑफ ईच स्मॉल सर्कल्स, यहाँ स्मॉल मेंशन कर दो तो क्लियर हो जाएगा, स्मॉल सर्कल्स क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये मैंने मेंशन कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, पाई आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, 7 × 1 = 7, ये हो जाएगा 0.5,
22 5 का क्या हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 11 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 विल बी 11 5 ज़ा 55, कैरी 5 11 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन स्मॉल रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, लेंथ क्या, देखो रेक्टेंगल में 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है, राइट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात एरिया ऑफ शीट रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल है वो है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 616 एरिया ऑफ द शीट दैट इज 14 सेंटीमीटर इन रेडियस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 38.5 प्लस यहाँ पे क्या हमारे पास 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 78.5 to 77 प्लस 3 80, 616 माइनस क्या हो जाएगा 80, सब्ट्रैक्ट कर दो यू गोना गेट 6 एंड 3 एंड 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो अ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट, क्या है एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है हमारे पास और उसमें से क्या किया गया है, एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का कट किया गया, हमको क्या बताना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, यानी हमको क्या निकालना है, ये पार्ट हमको निकालना है, इसका क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर रेडियस है और जो हमारे पास स्क्वायर पीस है ऑफ साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका साइड क्या अवेलेबल है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये स्क्वायर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ये डीवाईएस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, हमने क्या करना है इसमें, हमने निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सिर्फ इतना ही करना है इसमें और कुछ भी नहीं, सर्कल का एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, स्क्वायर में से सर्कल कट रहा है तो स्क्वायर से सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्वेश्चन बनाना आपका काम है, ठीक है, ये डीवाई इसमें रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, गिवन क्या लिखा हुआ है देख लो, गिवन दैट में क्या है, द सर्कम फेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करेंगे 2 पाई आर इक्वल टू लिखेंगे 31.4, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको क्या निकालना है आर निकालना है, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 31.4 और रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, क्या किया हमने ट्रांसपोजिशन किया, जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवाइड में चले जाएगा और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो देखो यहाँ से कट करके देखो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 देन 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा, हो गया अब 157 है हमारे पास 15.7 है ना, 11 से क्या होगा करके देख लो, 11 से नहीं हो रहा है तो रेडियस निकाल लो, व्हाट इज़ द रेडियस, अब एक्चुअली पाई की वैल्यू हमको क्या रखनी चाहिए थी 3.14, देखो इसीलिए क्या हो रहा है ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू को 3.14 रखेंगे, दैट वी हैव नॉट सीन, सो नाउ वी विल सब्सटीट्यूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू 31.4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू 31.4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14,
बनाने का तरीका सिंपल है, पहले पॉइंट रिमूव कर लो, 314 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 314। यहाँ पे देखो 10th है तो नीचे में 10 आएगा, यहाँ 100 है तो ऊपर क्या जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। 314 कैंसिल हो गया, 10 से आपका 10, 21 2 एंड 25 10, तो रेडियस आपको क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लेके बनाओगे तो ये सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। ऑलराइट, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25 4 100, 25 1 25, +10 35, carry 3 75, +3 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस इट्स योर आंसर। ओके, सो विल कीप दिस पार्ट टिल हियर टुडे, I'm going to see you in the next video in which I'm going to continue this exercise in the part 3. Till then, keep watching our video. Hit the bell icon to get the notification of our old latest videos. Hum aapke liye aise hi naye videos laate rahenge. In the meantime, keep watching our videos and have a nice day. Thank you very much.